द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर आपकी जिंदगी बदल सकती है, और इस किताब के पिछले कवर पे भी लिखा है कि सिर्फ एक किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी जीने के तरीकों को बदल देगी, आपकी जिंदगी की सच्चाई के साथ सामना करवा देगी। क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप इस किताब को अपने खुले दिमाग के साथ पढ़ते हैं तो ये किताब वाकई आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए जानते हैं करेज टू बी डिसलाइक किताब की समरी के बारे में। ये किताब एक युवा इंसान के बारे में है जो अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, अपने हालातों से जूझ रहे हैं, और फिर वो ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको जिंदगी जीने की समझ है, जो बहुत ही अपनी जिंदगी में शांत है। जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये किताब आपके साथ बातें कर रही है, क्योंकि इस किताब में सवाल जवाब है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि इस किताब के लेखक इशिरो किशिमी एंड फुमितके कागा आपसे ही बातें कर रहे हैं। इसमें जो युवा इंसान है वो उस फिलोसोफर से सवाल पूछता है और फिर फिलोसोफर उसका जवाब देता है। द करेज टू बी डिसलाइक किताब की खूबसूरती ये है कि जब भी वो युवा इंसान सवाल पूछेगा आपको लगेगा कि इसने तो मेरा ही सवाल पूछ लिया। इससे ये भी पता चलता है कि इस किताब के लेखक जानते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और उन्होंने पहले ही हमारा दिमाग पढ़ लिया है। द करेज टू बी डिसलाइक में 5 चैप्टर्स है। ऐसा कहे कि ये किताब 5 रातों में बटी हुई है। हर रात को युवा इंसान उस फिलोसोफर से सवाल पूछता है और फिर उसका जवाब सुनकर एक उम्मीद के साथ वापस लौट आता है। ये किताब एडलर की फिलोसॉफी इसके ऊपर आधारित है, जिसे एडलेरियन फिलोसॉफी के नाम से जाना जाता है, और ये पूरी किताब इस फिलोसॉफी पे ही आधारित है। ये फिलोसॉफी आपकी जिंदगी जीने के नजरिए को बदल देगी और आपको एक खुशी जिंदगी जीने की तरफ ले जाएगी। इस किताब में ये भी बताया गया है कि कैसे आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं और जिंदगी में बुलंदियों को छू सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस किताब के बारे में और कुछ हिस्सों के बारे में जो आपके लिए जानने जरूरी है। नंबर 1 पर है, आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। कितना अच्छा है ना कि आप अपनी जिंदगी को कभी भी बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी आपके ही हाथ में है, लेकिन फिर भी आप इसे बदल नहीं पाते। आप अपनी जिंदगी को बदल के अच्छा नहीं बना पाते। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी जिंदगी में बदलाव को पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ना निकले और हमें सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाए, लेकिन एडलेरियन फिलोसॉफी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में आने वाले बदलाव से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हमें डटकर इसका सामना करना चाहिए। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखते रहे और हमारी सफलता की राह में आने वाले बदलाव के लिए तैयार रहे तो हम आसानी से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पर है, एडलेरियन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें। एडलेरियन साइकोलॉजी हौसले से संबंधित है। एडलेरियन साइकोलॉजी के मुताबिक हमें अपने गोल अपने बीते हुए कल या आने वाले कल से प्रभावित होकर नहीं बनाने चाहिए, बल्कि हमें आज में रहकर अपने गोल को स्थापित करना चाहिए। अगर आपके साथ आपके बीते हुए कल में कुछ बुरा हुआ है तो आपने उसका असर अपने आज या फिर आने वाले कल पे नहीं होने देना। आपको हौसले के साथ अपने डर का सामना करना है और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आप अपने डर पर जीत पा लेते हैं तो आप जिंदगी में किसी भी काम में जीत हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, असली खुशी कैसे हासिल करें। सब चाहते हैं कि हम खुश रहे, हमारी जिंदगी में सुख ही सुख हो, लेकिन हमारी खुशी तो तभी आधी रह जाती है जब हम किसी के पास अपने से ज्यादा कुछ देख लेते हैं। हम इसलिए दुखी नहीं होते कि हम अपने किसी काम में असफल हो चुके हैं, बल्कि हम तो दूसरों की खुशी में ही अपनी हार मान लेते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन की भावना रखते हैं। हम डरे रहते हैं कि कहीं दूसरा हमसे आगे ना निकल जाए, और ऐसा करके हम जीवन की खुशी को आधा कर लेते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी हमारे अंदर बदलाव लाने की साइकोलॉजी है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर दूसरों के साथ कंपटीशन की भावना को खत्म करना होगा और अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपने आप का खुद ही कंपटीशन करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम अपने कल से कितना बेहतर हुए। जब आप ऐसा करेंगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर देंगे, तब जो खुशी आपको आपके सफल होने पर मिलेगी वो खुशी आपके लिए असली खुशी होगी और आप दुनिया में अपने आप को सबसे खुशनसीब मानेंगे। नंबर 4 पर है, आप आजादी कैसे पा सकते हैं। आजादी का मतलब है कि आप वो काम कर पाए जिसे करके आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है।
आप उस इंसान के साथ रह सके जिसके साथ आप रहना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपके पास पैसों की भी आजादी हो। ये आजादी आपको तभी मिल सकती है जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। आपको तभी आजादी मिल सकती है जब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको फर्क ना पड़े और आप बेफिक्र होकर अपना काम करते रहें। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में आजादी पाना चाहते हो तो आपको तभी भी हौसला कायम रहना होगा जब लोग आपकी बुराई कर रहे होंगे। लोग चाहे आपके बारे में कुछ भी बोलते रहे, अगर आपका ध्यान अपने गोल को हासिल करने पर है तो आपको आपकी आजादी पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक आपने द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब के बारे में कुछ बातें जानी जो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी है। अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप सीख जाएंगे कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है, लोगों की नेगेटिव बातों को कैसे नजरअंदाज करना है और बिना रुके कैसे अपने लक्ष्य को और आगे बढ़ाते जाना है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।